स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली क्लास. व्हाट्स अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग. ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली आपको पता है कि इसकी क्या मांग. आपको देख यूट्यूबर आपने नाम रखा हुआ है अपनी प्रोफाइल का, तो डेफिनेटली आपसे बेहतर ये चीज कौन जानता होगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी आर्ट है जो आपके कस्टमर्स और आपकी चीजों के सेल्स जनरेट करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है. क्योंकि जब तक आपकी चीज दुनिया को दिखने में ही अच्छी नहीं लगेगी, उस चीज का लेआउट भी अच्छा नहीं होगा, तो आपके पास या आपकी वीडियोस को भी कौन ओपन करेगा. तो शायद आप थंबनेल की प्रेजेंस को बहुत अच्छे से समझते होंगे. ओके, एनी अदर क्वेरीज किसी की अगर है तो बताएं, वरना मैं क्या करती हूँ कि स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ओके, चलें लेट्स स्टार्ट. द टॉपिक इज अबाउट अमेज़न. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ. ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग से मुराद क्या होती है. डिफरेंट तरह के कुछ लोग ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने अपना स्टार्ट पेड मतलब लाइक पेड ऐप से लिया होगा, या कहीं ने इन्वेस्ट किया होगा, या कहीं लोगों को पता ही होगा कि ये स्किल्स क्या होती है. बेसिकली स्किल्स एक ऐसा हुनर होता है, एक ऐसी चीज होती है जो आप सीख के किसी के साथ काम करते हो. ये सेम ऐसे ही होता है जैसे आप यूनिवर्सिटीज के अंदर डिग्रियां लेते हो. ठीक है, डिग्रीज लेने के बाद आप किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे अपनी उस डिग्री की एडवर्टाइजमेंट करते हो, एंड देन क्या होता है कि आप उस चीज के बारे में नॉलेज लेने के लिए यानी काम करने के लिए आप जाते हो पैसा कमाने के लिए. तो सेम जो ऑनलाइन अर्निंग है, इसके अंदर भी आप डिफरेंट किस्म की स्किल्स सीखते हो. उन डिफरेंट किस्म की स्किल्स का मतलब क्या है कि आप दो तरह की स्किल्स पे वर्क करते हो. एक होता है फ्रीलांसिंग, एक होता है ई कॉमर्स. बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या होता है, इसके अंदर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग, आप SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो फ्रीलांसिंग के अंदर आती है. ठीक है, जो आप किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर, अपवर्क, Woohoo.com, पीपल पर आवर, freelancer.com, इन पे जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके क्लाइंट्स के साथ काम करके क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं. ये स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इनके बगैर आप सीखे बगैर कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते. क्लियर हो गया फ्रीलांसिंग. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ई कॉमर्स. ठीक है, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी चीज का लेन देन करना. लेन देन किस सेंस में करना है कि आपने कोई भी चीज जो है वो बेचनी है ऑनलाइन. वो जो बेचना होता है ऑनलाइन, उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं डिफरेंट किसी भी तरह की. ओके, लाइक आपकी लाइक स्किल्स होती हैं. एंड द थर्ड वन इज टारगेट मार्केट, एंड द फोर्थ वन इज ऑनलाइन प्रेजेंस, कॉम्पिटिशन, स्वॉट एनालिसिस, एंड डिटेल अबाउट वर्चुअल असिस्टेंट, जिसको आप VA भी बोलते हैं. ठीक है, ये सारी अलग चीजें हैं. बट वी ऑफरिंग, सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट अवर इंट्रोडक्शन. अभी जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये बैठ के सुन रहे हैं वो तो डेफिनेटली गूगल मीट है, लेकिन जिस बंदी के मुंह से आप ये सारे अल्फाज सुन रहे हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है स्टेप अप लर्निंग. और इस स्टेप अप लर्निंग के प्लेटफॉर्म के जो CEO यानी के जो MD है एंड द फाउंडर ऑफ स्टेप अप लर्निंग इज सर सैयद दरियाब हुसैन शाह साहब. ठीक है, हम जो प्लेटफॉर्म पे आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, उस प्रेजेंट जो भी चीजें आपको बताई जा रही है, प्लेटफॉर्म के जो ओनर है उनका नाम क्या है, सैयद दरियाब हुसैन शाह साहब. एंड द प्लेटफॉर्म नाम इज स्टेप अप लर्निंग, जहां आप लोग इस टाइम अमेज़न का डेमो सेशन सुन रहे हो. एंड द CEO ऑफ स्टेप अप लर्निंग myself किंजा मूसा, एंड आई एम आल्सो द ट्रेनर ऑफ अमेज़न कोर्स. अच्छा जी, हम लोगों का बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या था कि अमेज़न क्या है. ठीक है, अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, जहां पे आप कोई भी चीज की सेलिंग एंड परचेजिंग करते हो. ठीक है, यानी एक चीज बेचते भी हो और एक चीज खरीदते भी हो. ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग इंजन वेबसाइट है. लाइक शॉपिंग इंजन वेबसाइट कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग चीजें बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं. बट वो सारा सिस्टम किसके थ्रू होता है, वो सारा सिस्टम नेट के थ्रू होता है, यानी मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू. ठीक है, जिसमें आपका लैपटॉप का, कंप्यूटर का, मोबाइल का यूज आता है. बट अमेज़न, आप सबको तो ये पता था ना कि यहाँ पे सिर्फ चीजें खरीदी जाती है, ये नॉलेज नहीं था कि यहाँ पे चीजें बेची भी जाती है. ये नॉलेज कब ज्यादा इंक्रीज हुआ, जब लोगों को COVID-19 का हमला हुआ. ठीक है, सीधी सी बात है, क्योंकि COVID-19 की वजह से दुनिया को ऑनलाइन पता चला कि दुनिया ऑनलाइन भी बातचीत कर सकती है फेसबुक के चिट चैट के अलावा.
ठीक है ऑनलाइन वो कि हमें किसी को गूगल मीट भी यूज करना नहीं आता था, पर गूगल मीट का आज हर एक बंदे को पता है क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लासेस ली जाती है। एटलीस्ट आपको इतना नॉलेज है कि यहाँ पे कैसे माइक म्यूट किया जाता है एंड अनम्यूट किया जाता है। तो इसी तरह जिस तरह ट्रेंड चेंज होता रहता है आपके नॉलेज भी इंक्रीज होता रहता है। ठीक है अच्छा जी, Amazon इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ई कॉमर्स मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि इंटरनेट की दुनिया के अंदर आप किसी भी चीज की जो खरीदो फरोख्त कर रहे हो, जिसमें आपका क्लाइंट और कस्टमर जो है वो दूसरे को नहीं देख रहे, बस वो नेट के थ्रू एक चीज को खरीद रहे हैं। ये आपकी एक आसानी का काम है। ठीक है जो आप जैसे आप लोग दराज पे बैठ के कुछ खरीदते हो, आप शॉपिफाई पे बैठ के कुछ चीज खरीदते हो, आप दुनिया की किसी भी शॉपिंग इंजन वेबसाइट पे बैठ के खरीदते हो, वो सारी कौन सी होती है ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है इसकी जो इंडस्ट्री है अमेज़न की एटलीस्ट उसका 10% मोर वो तकरीबन 15 साल के अंदर अंदर उसने अपने आप को ग्रो किया है इस वजह से क्योंकि दुनिया अब ऑनलाइन बिजनेस पे है। ठीक है रिसेंट ईयर के अंदर जो ऑनलाइन शॉपिंग जितने भी हमारे लिए है वो बहुत ज्यादा इजी हो चुकी है क्योंकि वो हम लैपटॉप टैबलेट्स मोबाइल फोन के थ्रू कर रहे हैं और सिर्फ एक क्लिक पे बैठ के कर रहे हैं। ठीक है और सिर्फ हमें यही नहीं पता कि यहाँ पे चीजें खरीदी नहीं जाती, इवन कि हमें ये भी आइडिया है कि यहाँ पे चीजें बेची भी जाती है। अभी आप लोग यहाँ पे चीजें बेचने के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आए हो कि अमेज़न पे चीजें कैसे बेची जाती है, यहाँ पे चीजें बेचने के लिए क्या चीज की जरूरत है, यहाँ पे वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है तो वो लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये आप सबका मोटिव है। यही चीज हम आपको सिखाएंगे कि ये इसका मतलब क्या है। बेसिकली अमेज़न जो है वो इन सारी कंपनीज को बिलोंग करता है, ठीक है जो आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हो रही है, और जो अमेज़न के ओनर है उनका नाम क्या है, जेफ़ बेज़ोस। तो आप जब भी किसी भी चीज के बारे में नॉलेज लेते हो तो आपको एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए कि आप किसी चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हो या नॉलेज ले रहे हो तो आपको उस कंपनी के ओनर के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि इसको बिल्ड किसने किया। ठीक है तो बेज़ोस का कुछ विजन था, किसने अमेज़न को इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट स्टोर बनाया जिसके अंदर क्या है कि लोग ग्लोबली बैठ के दुनिया के अंदर चीज खरीद भी रहे हैं और चीज बेच भी रहे हैं, चाहे वो बशिंदा दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठा हो। ठीक है ये इसकी मेन रीजन क्यों थी कि इसने amazon.com को इतनी अर्ली स्टेजेस पे लेके आया। ठीक है क्यों, ताकि लोगों को माइंड की अवेयरनेस इसने बताया है कि कैसे आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद सकते हैं, कैसे आप कोई भी ट्रस्टेड ब्रांड यानी कि कोई भी ट्रस्टेड ब्रांड जैसे आप लोगों को पता है एथनिक होता है, लाइमलाइट है, पोलो है, ये वो ब्रांड्स है जो आप लोगों ने फिजिकली भी देखे होंगे। फिजिकली का मतलब है कि आपने अपने सामने मॉल्स में शॉपिंग मॉल्स में, पर सेम एट अ टाइम आपने इनकी वेबसाइट्स इनके पेजेस चीजें आपने बाहर भी देखी होगी ऑनलाइन भी। ठीक है और इसमें एटलीस्ट आपके रिपीट कस्टमर यानी कि जो बार बार आपकी चीजें खरीदते हैं वो 60% तक का क्राइटेरिया होता है। ठीक है अमेज़न का बिजनेस फर्दरली एक्सपैंड किया जा सकता है आफ्टर सक्सेस ऑफ बुक सेलिंग। यहाँ पे जिस पहले बुक सेलिंग होती थी, ठीक है जिसको हम अमेज़न किंडल भी बोलते हैं, और इसको एक्सपैंड करके बहुत सारी और प्रोडक्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया कि अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक है, फूड की प्रोडक्ट्स है, कोई भी किसी भी तरह की प्रोडक्ट्स है आप बेच सकते हैं। ठीक है अभी मेन थिंग ये है कि आपने जब भी कोई चीज बेचनी होती है तो उसके अंदर पहला स्टेप बेसिकली क्या है कि आपका टारगेट मार्केट करना। अमेज़न पे क्या है कि आप 3 से 4 तरह से वर्क कर सकते हो। ठीक है किस तरीके से वर्क कर सकते हो, 3 से 4 तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग अगर अमेज़न पे वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो अमेज़न का एक एसोसिएट प्रोग्राम है। ठीक है कौन सा प्रोग्राम है, एसोसिएट प्रोग्राम, अमेज़न एसोसिएट और अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है क्या है, अमेज़न एसोसिएट और एफिलिएट मार्केटिंग, ये वो प्रोग्राम है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप अपना अकाउंट साइन अप करके यहाँ पे मौजूद अमेज़न के अंदर कितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सारी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। यानी यहाँ पे आप किसी भी कंट्री का अकाउंट बना के, चाहे वो चाइना का हो, यूनाइटेड किंगडम का हो, जर्मनी का हो, इटली का हो, किसी भी तरह का हो, यहाँ पे आपने साइन अप करना है। और इस अकाउंट को साइन अप करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये बेसिकली वेबसाइट्स क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है stepuplives.com, ये हमारी वो वेबसाइट है जो पेड वेबसाइट है। ठीक है
यहाँ पे हम एजुकेशन के रिलेटेड बताते हैं। सेम लोगों की बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जो जूतों के बारे में होंगी, जिनके ब्यूटी स्टोर्स होंगे, जिनके कपड़ों के ऊपर होंगे, तो एक वेबसाइट आपको इस अकाउंट के साथ अटैच करनी पड़ती है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आपको क्या पता कि ये वेबसाइट आपके पास कहाँ से आएगी, आप इसको बनाओगे कैसे, आप इसको डिजाइन कैसे करोगे, आप इसको जैसे हमने रिसर्च थैंक यू ओके तो मैं बता रही थी अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम का, ठीक है, जिसको हम एफिलिएट मार्केटिंग भी बोलते हैं। अभी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जिन लोगों के पास कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं होती अमेज़न पे बेचने के लिए, तो अमेज़न ने अपना एक प्रोग्राम ओपन किया है जिसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। यहाँ पे आप दुनिया जहान के लोगों की जितने भी प्रोडक्ट्स को उठा के डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके पेस्ट करके अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और वो इनकम को जनरेट करने के लिए आपको क्लाइंट्स को टारगेट करना होता है, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी आनी चाहिए, आपको अपनी वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, उस वेबसाइट को डिजाइन करना आना चाहिए एंड रैंक करना आना चाहिए। ये सारा प्रोसीजर जो होता है ये आपकी एफिलिएट मार्केटिंग में होता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है लेकिन आप दूसरों के बेच के अमेज़न से कमीशन ले सकते हैं उस प्रोडक्ट का, ठीक है, ये होती है अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग। कैन यू प्लीज स्टॉप दिस, मैंने बोला था कि आप लोग मुझे मिड में इंटरप्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं आप लोग उनको भी नहीं सुनने दे रहे, आप लास्ट पे क्वेश्चन कीजिएगा। सॉरी मैं अभी इंटर हूं इसलिए नहीं पता लगा, सॉरी ओके चलो ठीक है ओके थैंक यू। तो एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, जो लोग बिगनर लेवल पे हैं या जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो वो लोग अपना स्टार्ट अमेज़न के एसोसिएट प्रोग्राम या एफिलिएट मार्केटिंग से ले लेते हैं, क्योंकि ये वो स्किल है जिसके थ्रू आप मार्केटिंग की साइकिल को समझ आते हैं। बेसिकली ई कॉमर्स हो या फ्रीलांसिंग हो, करने आपने हर चीज के अंदर मार्केटिंग ही होती है, क्योंकि आपके पास स्किल्स हैं तो स्किल्स दिखाने के लिए भी लोगों को आपको क्लाइंट की जरूरत है और क्लाइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको मार्केटिंग की जरूरत है, ठीक है। जब आपके पास मार्केटिंग ही नहीं होगी तो आप किसी को अपनी चीज कैसे दिखाओगे, दैट इज द मेन पॉइंट। सेकेंड स्टेप, अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट है तो आपने वो प्रोडक्ट कहीं पे लगाई हुई है, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट बेचने के लिए भी आपको मार्केटर की जरूरत होती है, तो जब मार्केटिंग ही नहीं आती होगी आपकी चीज कैसे बिकेगी। यही वो चीजें, यही वो स्किल्स होती हैं जो आपको स्टार्टिंग लेवल पे आप सीखते हो, ठीक है। अगला जो स्टेप आता है वो होता है कि अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट। क्या होता है अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट? वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली आपकी स्लाइड शो है, बात सुने बस। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है कि अमेज़न पे आप दो तरह की प्रोडक्ट्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। किस तरह की प्रोडक्ट्स पे वर्क करते हैं? दो तरह की प्रोडक्ट्स पे, एक होती है होलसेल, एक होती है पीएल, ठीक है। होलसेल जो होती है वो आपका अपना ब्रांड नहीं होता, यानी कि आपकी अपनी चीज नहीं होती, वो जो चीज होती है वो आप किसी की खरीद के अपने पास रख के उसका स्टॉक उसको बेचते हो, ठीक है। यानी आपने कहीं से 5 रुपए की चीज ली और आप उसको 15 रुपए पे रख के बेच रहे हो, अपना प्रॉपर प्रॉफिट मार्जिन और अकाउंट का सेटअप वगैरह करके। जो अगला स्टेप आता है वो ये आता है कि आपका अपना ब्रांड यानी कि पीएल, जिसको हम प्राइवेट लेबल भी बोलते हैं, उसके लिए प्रॉपर आपने अपनी एक ब्रांड रजिस्ट्री करवानी होती है, यानी कि जिस भी कंपनी का आपने अकाउंट ओपन किया या जिस भी कंट्री का आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो वहां पे आपकी एक प्राइवेट लेबल कंपनी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। या आपका एक बिजनेस एड्रेस मौजूद होना चाहिए, आपका एक बैंक अकाउंट की जो एड्रेस है वो मौजूद होना चाहिए। तो ये क्या होता है कि आपके दो प्रोडक्ट्स पे काम करते हो। अब इनके अंदर जो काम करना होता है ना कि अमेज़न पे आप वर्क कैसे करते हो, उसके लिए प्रॉपर क्या होता है कि आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। अब ये अकाउंट क्रिएट करना क्या होता है कि पहले हम पाकिस्तान से आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते थे, बट अब आप पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक अकाउंट क्रिएट किया, आप सबको पता है कि इस टाइम दो तरह के अकाउंट क्रिएट होते हैं अमेज़न पे, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है प्रोफेशनल, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल क्या होता है, ठीक है। इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपको हर प्रोडक्ट पे चार्जेस पड़ते हैं $0.9, जो आपकी FBA की फीस यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, और फुलफिलमेंट इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो फुलफिलमेंट बाय अमेज़न की प्राइस की होती है ना, प्रोडक्ट की प्राइस, उसके अलावा भी वो आपसे $0.9 चार्ज करता है,
तो जिसको 0.09 डॉलर की प्राइस नहीं पड़ता तो वो गूगल पे जाके रिसर्च कर सकता है कि 0.9 डॉलर पाकिस्तानी रुपीस में कितना बनता है। ठीक है, ये वो स्टेप है जब आप अमेजोन पे स्टार्ट लेते हो। अगला स्टेप आता है कि अमेजोन पे प्रोफेशनल अकाउंट, जो प्रोफेशनल अकाउंट है उसका एक सब्सक्रिप्शन की फीस होती है जो आप मंथली बेसिस पे देते हो। मंथली बेसिस पे देने का मतलब है कि जब भी आपने एक अकाउंट ओपन किया अपना सेलिंग का, वो अकाउंट ओपन करने की प्राइस है 39.99 डॉलर। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो अमेजोन का यानी आप अकाउंट बना रहे हो, मंथली बेसिस पे आपने उस चीज को पे करना है। ठीक है, उतनी प्राइस को, चाहे वो यूके बेस पे आप इतना कैलकुलेट कर लो, चाहे आप वो यूएसए का कर लो, चाहे आप वो किसी भी कंट्री का कर लो, लेकिन आपको पे 39.99 समथिंग ही करना पड़ता है जो यूएसए डॉलर के अंदर पाकिस्तानी रुपीज में आपके पास बन रहा है। ठीक है, अभी दो तरह के अकाउंट होते हैं, कौन से होते हैं, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल। इंडिविजुअल सेलिंग और प्रोफेशनल सेलिंग। इंडिविजुअल सेलिंग के अंदर आप कभी भी अपना प्राइवेट लेबल की चीजें नहीं सेल आउट कर सकते। ठीक है, प्रोफेशनल के अंदर आप अपनी प्राइवेट लेबल की चीजें जो है वो भी सेल आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इंडिविजुअल के अंदर आप अपना प्राइवेट लेबल सेल आउट कर सकते हैं, प्रोफेशनल के अंदर आप अपना प्राइवेट लेबल का भी सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगली जो चीजें आती है वो ये आती है कि इंडिविजुअल के अंदर आप जस्ट एक तरह का अकाउंट क्रिएट करते हो। ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल के अंदर आपके पास दो मॉड्यूल होते हैं, दो मॉड्यूल होते हैं। वो मॉड्यूल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका पहला जो मॉड्यूल है वो इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट है, दूसरा है बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर आप अपने बारे में बताते हो, जिसमें आपका आईडी कार्ड, आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आपका सीएनआईसी नंबर, ये सारा आता है। बिजनेस के अंदर आपके बिजनेस जितनी भी बिजनेस कंपनी है तो उसके एंटिटी नंबर क्या है, आपका जो भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह यानी जो भी नंबर है वो क्या है, ट्रेडमार्किंग वो क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ आपने प्रोवाइड करना होता है जब आप अपना एक अकाउंट रेडी करते हैं। ये वो चीजें होती हैं जो एक वर्चुअल असिस्टेंट सीखता है, यानी एक वीए सीखता है। वीए कौन होता है, वो किसी भी, जिससे आप समझ लें कि कोई डिफरेंट लोग हैं काम कर रहे होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, तो वो किसी के मुंशी बोल रहे हैं या मैनेजर बोल रहे हैं जो किसी के हिसाब किताब या चीजों का रखते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली किसी भी अकाउंट्स को हैंडल करता है, तो उसका काम एक अकाउंट को क्रिएट करना भी होता है। क्योंकि यहाँ पे दो तरह से आप काम सीखते हो, एक इन्वेस्टमेंट वाला और एक वो लोग जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते बट वो लोग ये सर्विसेज देके पैसे पैसा कमा सकते हैं, ये मेन चीजें होती है। तो अकाउंट क्रिएट करना आना चाहिए दोनों लोगों को। ठीक है, तो ये चीज सिखाई जाती है कि कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है। अगला जो स्टेप आता है वो ये होता है कि आप यहाँ पे कुछ अपने बैंक अकाउंट्स वगैरह लगाते हैं। बैंक अकाउंट्स मतलब अपनी डिटेल्स वगैरह डालने के बाद बैंक अकाउंट के दो तरह के ऑप्शन होते हैं, यानी कि चार्ज बैंक अकाउंट डिटेल्स मेथड डालने आपने कि डिपॉजिट मेथड। चार्ज मेथड वो होता है जिसके अंदर आप अमेजोन की कोई भी प्राइस, अगर जैसे आपने एफबीए की फीस है या अपने प्रोडक्ट की कुछ भी फीस वगैरह वो आपने पे करनी होती है, या आपका कोई भी अकाउंट की जो प्रोफेशनल अकाउंट बनाया है तो उसकी फीस आप पे करेंगे तो वो कटेगी। ठीक है, और डिपॉजिट मेथड वो होता है कि आपने जब भी कोई अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की है अमेजोन पे, तो वो प्रोडक्ट लिस्ट करने से क्या होता है कि उसके पैसे, अगर कोई चीज बिक रही है तो उसके पैसे आपको कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कहाँ से मिलेंगे। दूसरी बात ये कि आपके ये सारे स्टेप्स जो होते हैं ये पायर, जैसे आप डायरेक्टली पाकिस्तान में बैठ के पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते अमेज़न से अपने बैंक अकाउंट में, तो आप लोग अपने पायोनियर का अकाउंट या हाइपर वॉलेट जैसे कुछ यूनिक बैंक अकाउंट होते हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट रिसीव करते हो, देन उनका विड्रॉ करवाते हो अपने बैंक अकाउंट में। कहीं भी आपके डेबिट कार्ड वीजा कार्ड भी यूज हो जाते हैं, तो एज अ फ्रीलांसर, एज एन ई कॉमर्स, एज एन ड्रॉप शिपर, आप सबके पास अपना एक प्रोफेशनल बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप सबके पास अपनी जीमेल आईडीज और रिचार्ज एवरीथिंग होती है। तो अगला जो स्टेप आता है वो ये चीज आती है कि आपने अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी होती है, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग। शायद आपने सुना होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग अबाउट होलसेल, प्रोडक्ट हंटिंग अबाउट प्राइवेट लेबल, ये वर्चुअल असिस्टेंट के कामों में आता है। यानी आप प्रोडक्ट हंट किस क्राइटेरिया में बैठ के कर रहे हो, किस कंट्री की लोकेशन पे बैठ के कर रहे हो, किस क्राइटेरिया के अंदर चीजें आती हैं कि आपकी वेरिएशन रिजल्ट क्या होना चाहिए, आपका रेवेन्यू रिजल्ट क्या होना चाहिए,
आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसकी ग्लोबल रेटिंग क्या है, उसका ग्राफ क्या है। ये वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो आप अमेज़न की प्रोडक्ट हंटिंग में करते हो। अगला चीज आती है वो होती है अमेज़न पे प्रोडक्ट सोर्सिंग करना। सोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि आपने चीज कहाँ से खरीदनी है, यानी आपकी अपनी चीज नहीं है तो आपने होलसेल का अगर काम करना चाह रहे हैं तो आप अपनी चीज कहाँ से खरीदेंगे, किन किन वेबसाइट्स को यूज करेंगे अच्छी क्वालिटी की और लेस प्राइस पे प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट सोर्सिंग। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है, बेसिकली वो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एफिलिएट मार्केटिंग की तरह की कॉन्टेंट राइटिंग के अंदर की स्किल्स आ जाती है। कॉन्टेंट राइटिंग, जैसे बहुत सारे लोग एफिलिएट कॉन्टेंट राइटिंग लिखते हैं, जैसे आपने अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट देखी होगी जिसका टाइटल भी लगा होगा, पिक्चर भी लगी होगी, वीडियो भी लगी होगी, उसके बारे में भी लिखा होगा, वो सारी चीजें लिखी कैसे जाती हैं, वो सारा कुछ क्या आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग में आता है, जिसको हम ए प्लस कॉन्टेंट बोलते हैं, जो SEO फ्रेंडली होता है। ठीक है, ये वो सारे स्टेप्स होते हैं जो एक अमेज़न पे आप अपना अकाउंट बनाने के बाद, अपनी दुकान ओपन करने के बाद सारा कुछ करते हो अपना बिजनेस को जनरेट करने के लिए। ठीक है, ये वो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, ये वो सारी चीजें जो मैं अकाउंट बनाने की बात कर रही हूँ कि अकाउंट में इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, अकाउंट ओपन करने के लिए ये चीज लगेगी, या प्रोडक्ट को उठाने के लिए इतना पैसा लगेगा, ये उन लोगों के लिए है जो आपके क्लाइंट्स हैं, जिन लोगों ने काम करना है, जिन लोगों ने अमेज़न पे अपना बिजनेस करना है। जो वर्चुअल असिस्टेंट है उन सब ने इन चीजों को सीखना है कि ये सारी चीजें परफॉर्म कैसे की जाती है और इन चीजों से आप कैसे किसी को सर्विसेज दे के पैसा कमा सकते। इससे अगला स्टेप जो आता है वो होता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के आउटलाइंस के अंदर आप अमेज़न को अमेज़न ड्रॉप शिपिंग भी करते हो, जो आप अमेज़न प्राइम से करते हो, वॉलमार्ट से करते हो, सैम क्लब से करते हो, आप अलीबाबा से करते हो, अली एक्सप्रेस से करते हो, ये सारी रिलेट कर रही होती है आपकी होलसेल के साथ। इसमें भी सेम आपने प्रोडक्ट हंटिंग लिस्टिंग सोर्सिंग करनी होती है। ठीक है, और सेम इसी तरह आपकी ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई स्टोर से होती है। शॉपिफाई स्टोर भी आपके अमेज़न के स्टोर की तरह होता है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, बेसिकली होलसेल के अंदर आपको अपनी प्रोडक्ट्स होती है वो लगानी पड़ती है, उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको अपनी इन्वेंट्री को मैनेज नहीं करना पड़ता थ्रू शॉपिफाई। ठीक है, तो क्या किया जाएगा कि ये सारी चीजें जो होती है ये बेसिकली आपकी सब चीजों के साथ रिलेट कर रही होती है। ये बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को बताया है कि अमेज़न पे वर्किंग कैसे होती है और अमेज़न पे आप कैसे विदाउट इन्वेस्टमेंट भी अपनी सर्विसेज देके पैसा कमा सकते हो। और इन सब चीजों को सीखने के लिए आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वो ट्रेनिंग क्या होती है कि आप वन बाय वन एक एक चीज को सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको वेबसाइट डिजाइनिंग का बताया स्टार्ट में कि वेबसाइट डिजाइन कैसे की जाती है, वेबसाइट रैंक कैसे की जाती है, वेबसाइट बनाई कैसे जाती है, ये क्या है, ये वो स्किल्स हैं, ये वो जो चीजें हैं जो आप स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। और लास्ट स्टेप जो होगा वो आपका ड्रॉप शिपिंग का होगा, जब आप एक प्रोफेशनल VA बन जाते हो। ठीक है, तो अमेज़न पे क्या है कि आप दो तरह के काम करते हो, एक विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला और एक विद इन्वेस्टमेंट वाला। विदाउट इन्वेस्टमेंट में आप किसी के VA बनते हो, और विद इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हो कि अपना एक बिजनेस ओपन करते हो जिनके पास अच्छी खासी वर्थ है। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप अमेज़न के अंदर सीखते हो और करते हो परफॉर्म। एज इट इज इसके अंदर की चीजें, जिसमें टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपकी LLC को रजिस्टर करवाना, आपका एक कंपनी या बिजनेस एड्रेस कैसे बनता है, आपका शेयर एड्रेस क्या होता है, मर्करी बैंक अकाउंट क्या होते हैं, ये आपकी अमेज़न की अकाउंट हेल्थ क्या होती है, आपके अमेज़न ASN नंबर क्या होते हैं, ये वो चीजें होती है जो आप स्टेप बाय स्टेप चीजों के अंदर अपनी ट्रेनिंग के अंदर सीखते हो। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली नहीं सीख सकते, ये जस्ट डेमो क्लास है जिसके अंदर आपको सारा ओवरव्यू करवाया गया। और ये प्रॉपर मैंने स्लाइड्स बनाई थी ताकि आप लोगों को मैं आउटलाइंस के थ्रू एक एक चीज बता सकूं, बट इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस की वजह से कि कभी कोई स्लाइड शेयर कर रहा है, कभी कोई स्लाइड शेयर कर रहा है, तो मुझे वो अपनी स्लाइड बंद करनी पड़ी और मैंने आप लोगों को सारा जितना भी है वो ऑडियो के अंदर सेशन दिया। ठीक है, तो किन किन लोगों को समझ आई है, किन किन लोगों को समझ नहीं आई, तो वो क्या करेंगे, वन बाय वन माइक अनम्यूट करें और विद मैनर्स के साथ अपना वन बाय वन क्वेश्चन करें। जी
जी बोले कितने क्वेश्चन है मैम? मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी सर बोले, मतलब अभी प्रॉपर ओवरव्यू तो थोड़ा बहुत समझ आया, प्रॉपर मतलब नहीं समझ आया, तो ये जो संडे को दोबारा सेशन होगा उसमें भी यही ओवरव्यू दिया जाएगा या कोई और चीज बताएगी? नहीं, संडे को जो होगा उसके अंदर हम किसी एक स्पेसिफिक चीज पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगी आपको, और साथ उस चीज के बारे में बताऊंगी कि ये चीज आपको किस चीज के अंदर फायदा देगी और ये स्टार्टिंग है, ये कैसे सीखी जाती है। बेसिकली आप लोग ये देखो ना कि डेमो क्लास क्या होती है, कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाह रहे हो और आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहे हो कि भाई ये जो लोग हैं आया ये किस तरह का सिखा रहे हैं, आया हमें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, और ये हम अगर इनके दो तीन क्लासेस लेते हैं तो हमें कितनी समझ आती है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि हर चीज प्रैक्टिस होती है, बट प्रैक्टिस से पहले आपकी समझ भी आनी चाहिए, तो मेन चीज ये होती है, और आपका ट्रस्ट बिल्ड करना एक प्लेटफॉर्म के साथ वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा मैम बेसिक और बेसिक इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट की बेसिक तो बताइए मुझे। विदाउट इन्वेस्टमेंट का ये सीन है ना कि अगर आप अमेज़न पे अपना पैसा लगा के इन्वेस्ट करके एज एन होलसेल ड्रॉपशिपर या पीएल अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आपको हाउ टू आर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आप इन चीजों को सीख के उन लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं जो लोग अपना पैसा लगाना चाहते हैं। हेलो मैम, जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, इसके बारे में कुछ क्या हमें कोई कम्प्लीटली स्लाइड्स वगैरह या कोई पीडीएफ में कोई फाइल वगैरह मिल सकती है जिसे हम थोड़ा सा पहले हमारी बनी हुई है स्लाइड्स, आप उनको विजिट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के ग्रुप्स के अंदर वो भेज देती हूँ, क्योंकि मैंने वो ही प्रेजेंट करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 100 पीपल्स यहाँ पे हैं, 23 दूसरी मीटिंग के अंदर है, और किसी ने मेरी बार बार स्लाइड्स के अंदर ना मतलब स्लाइड शेयर कर रहे हैं तो मेरी वो स्क्रीन स्टक हो जाती है और पीछे से भी नजर नहीं आता, तो इसीलिए मैंने अपनी स्क्रीन बंद कर दी, क्योंकि सबसे बेहतर होगा कि अगर हमें स्लाइड या पीडीएफ की हार्ड चीज दी जाए, हमें स्टडी करने के बाद हम बना लें कि क्या अमेज़न के ऊपर हम अर्निंग कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, अमेज़न पे सबसे ज्यादा इस टाइम इंस्टेंट जो आप अर्निंग कर रहे हो, इस टाइम जो सबसे ज्यादा इंस्टेंट अर्निंग हो रही है वो प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर हो, प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, आपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके लोगों को टारगेट करना होता है, और वो टारगेट कैसे किया जाता है, फ्री वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती है, आपने किन लोगों की प्रोडक्ट्स को बेचना है, उससे आपको अमेज़न कमीशन दे रहा होता है, तो वो प्रॉक्सी मार्केटर्स इस टाइम सबसे ज्यादा गेन कर रहे हैं जनरेट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी मैम, मुझे एक बात ही बताइएगा, क्या जो सिर्फ ऑनलाइन ही मतलब आपका कोई बकायदा ऑफिस है किसी सिटी में के शहर में जहाँ पे जाके हम इसको प्रैक्टिकली ज्वाइन कर सकते हैं? जी सर अपना कार्ड बंद कीजिए जी, $39.99 की जो मैंने बात की थी वो आप प्रोफेशनल अपना अकाउंट बनाते हो और आप अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ही बेहतर रहता है, लेकिन स्टार्टिंग अगर आप करना चाह रहे हो तो इंडिविजुअली अकाउंट भी बेहतर है जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगता अकाउंट ओपन करने का, बट जो प्रोफेशनल अकाउंट है जिसकी सब्सक्रिप्शन आपको $39.99 पड़ती है वो आपको पर मंथ के हिसाब से देना, चाहे आपकी चीज बिके या ना बिके, ठीक है? अच्छा जी, अब आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, एक मिनट सर रहमान, सर इमरान अली आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आपको लर्न करवाता है, ठीक है, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं ये सारे ऑनलाइन हम करवाते हैं, बट हमारे कोर्सेज के अंदर स्पेसिफिकेशन ये है कि हम आपको लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डिंग लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक रिकॉर्डिंग लेक्चर्स का मतलब ये है कि जैसे मैं कोई भी क्लास परफॉर्म कर रही हूँ तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी, और लाइफ टाइम मेंटोरशिप दी जाती है कि आप बेशक अपनी क्लासेस रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं किसी भी टाइम देख रहे हैं तो आप अपने मेंटोर यानी टीचर के साथ जब चाहे कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को जारी कर सकते हैं,
एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि हम आपको सिर्फ ये स्किल नहीं सिखाते अमेज़न की कि अमेज़न क्या है या किस तरह है, हम इस पे आपको क्लाइंट्स लेना भी सिखाते हैं कि कैसे आप लोग अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही क्लाइंट्स के साथ वर्क कर सकते हो। जो हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छा लर्न करते हैं हमारे पास से ही, वो हमारी टीम के अंदर एज एन ज्वाइन करके काम भी करते हैं, उन्हें जॉब भी ऑफर करते हैं, और हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं हम उनका भी उनके साथ वर्क करवाते हैं। अच्छा मैम, कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें की जा सकती है बिजनेस में? सर हसन अफजल, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है कि या फिर आपने यहाँ से कमाना है? मैम इन्वेस्टमेंट, मैं बेसिक इन्वेस्टर हूँ, मैंने इन्वेस्ट करके मुझे अर्न करेंगे प्रॉफिट, उसका कोई सूरत हाल है? तो अगर आप होलसेल का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास होलसेल में मिनिमम एक छोटी सी प्रोडक्ट के लिए आपके पास तकरीबन $5,000 to $6,000 का क्राइटेरिया। जी सर बोलिएगा। जी बोले बच्चों, मैं आप लोगों की बात सुनने के लिए आती हूँ, उधर से चुप करवा के अब आप बोले। शायद इन लोगों ने नहीं बोलना। जी बोलिएगा। मैडम मेरा सारा इसकी कितनी क्लासेस होगी और इसकी फीस वगैरह क्या होगी मुझे? अभी आप डेमो क्लास लोगों ने दो अरेंज की आप लोगों के लिए, एक हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्टार्टिंग रखी है, मतलब लाइक बिल्कुल बेसिक लेवल की जैसे आज हम लोगों ने की, एक हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आप लोग हमारे कोर्सेज की तरफ आना चाहेंगे तो जरूर आइए, फिर हम आपको फीस स्ट्रक्चर रिजल्ट एवरीथिंग अपना PDF शेयर कर देंगे। जी मैम लर्निंग आप बोलिएगा। जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आपकी हर स्टेप इतना क्लियर था, कितना इंटरेस्टिंग यू नो कि आपका सेशन जा रहा था, लेकिन ये जो इंटरप्शन हो रही है ये इसलिए अगर थोड़ा सा क्राइटेरिया प्रोफेशनल लोगों का रखते प्रोफेशनल एटीट्यूड या बैकग्राउंड है तो वो ज्यादा अच्छी क्लास हो जाएगी। और सेकेंडली जो है मेरा बस है कि हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली हमारा मकसद ये होता है कि हम जस्ट ट्रेनिंग ली कि न्यू स्किल्स थे डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो हमें लाइक द सेम ही थी असिस्टेंट का, तो अगर ये हम लर्निंग के साथ हमें ये काम भी आपके यहाँ शुरू करवाने की श्योरिटी देती है क्योंकि जस्ट लर्निंग से तो हमारा काम भी नहीं होता। मैम चले मैं आपके क्वेश्चन के आंसर कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये चीज कि आपको पता है कि ऑनलाइन है सब कुछ, तो लोगों को बताया जाता है मीटिंग में ज्वाइन होने से पहले, मैंने सबको बताया था कि इंटरप्शन मत कीजिएगा, आप लोगों को हर बात को बोलने का आइडिया दीजिएगा। अब जब किसी को समझ ना आए तो बस हमारे पास एक पीछे यही बचता है, या तो उन बंदों को रिमूव कर दिया जाता है या तो उनको डांट के चुप करवा दिया जाता है। अब ये बहुत कोशिश की जाती है लेकिन ऑनलाइन बैठ के फिर भी ये नहीं कंट्रोल होता, एक चीज तो ये। दूसरा ये मैम कि हमारे जो प्लेटफॉर्म का मैंने आपको पहले बताया है कि हम लाइफ टाइम की मेंटरशिप देते हैं, और मेरी जो क्लासेस होती हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाने पे ज्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि लर्निंग तो हर कोई करवा देता है, तो लोग लर्निंग के बाद उनके पास ना तो मेंटोर होता है ना उनके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है, तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस मैं उनको डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ करवाती हूँ ताकि उनकी उसी ट्रेनिंग के अंदर जो है वो फीस का क्या कहते हैं पेमेंट जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जो इंसान जितनी अच्छी प्रैक्टिस करता है उसी बेसिस पे हम फिर उसको अपने पास जॉब के लिए भी हायर करते हैं। तो हमारे कोर्सेज के अंदर आपको प्रैक्टिकली कोई भी टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपका पोर्टफोलियो भी बनाना मैं ही आपको सिखाऊंगी, वो पोर्टफोलियो आपकी एक वेबसाइट की डिजाइनिंग होगी, आपकी अपनी एक वेबसाइट होगी जिसको आप खुद क्रिएट करोगे और उसको डिजाइन करोगे, और यहीं से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं आपसे कहती हूं मैं आपसे कर सकती है मैम, क्योंकि हमारी जो क्लासेस की टाइमिंग है वो सारी ही इवनिंग में है, और ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी चीज है ना कि जब तक आप दुनिया को अपनी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं अच्छे तरीके से दिखा सकते तो कस्टमर आप कैसे समझते हैं कि आपके पास आएगा। मेन थिंग शायद आपने सुना होगा कि आपकी एक पिक्चर भी होती है, जो एक पिक्चर एक वीडियो जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। यस जी सर फैसल रसूल, मैम मैंने पहले दिन क्लास ली है तो मुझे क्लास का टाइम लगता है खत्म हो गया था, तो अब सुबह क्लास लेनी है तो मैंने कभी नहीं ली है मैं उनकी क्लास, तो ये मैंने नेक्स्ट क्लास लेनी है संडे को है, ठीक है वो आपको दे देंगे, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद आपकी पहली क्लास के बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा,
सेकंड क्लास में हम इसी क्लास का एक थिंग प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक हो गया। तो मैम ये फिजिकल नहीं हो सकता? नहीं, हम लोग ऑनलाइन सिखाते हैं। ऑनलाइन मैंने बताया तो है, जैसे मैंने मैम को भी एक्सप्लेन किया कि ऑनलाइन हमारी मेंटोरशिप लाइफ टाइम के लिए है, आपको किसी भी किस्म का कोई इश्यू नहीं आता। जैसे अभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऐसे आप लोग मेरी आफ्टर क्लासेस भी मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक हो गया मैम, ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? मेरा ये ना क्वेश्चन ये था कि ये जो मतलब वीएस के बाद में क्लाइंट्स मिलते हैं, ये मतलब किस तरह से क्लाइंट्स वगैरह मिलते हैं? क्या सीन होता है वीएस के बाद सर, के इन स्किल्स के बाद? नहीं मतलब Amazon की जो स्किल्स हैं इनको सीखने के बाद जो ये आपको सबसे ज्यादा LinkedIn पे, Facebook पे, WhatsApp स्क्रैपिंग, ईमेल स्क्रैपिंग, Fiverr और Upwork पे मिलेंगे बहुत ज्यादा। और अब तो पाकिस्तानी लोकल जितने भी क्लाइंट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आज दुनिया में हर बंदा यही चाहता है कि उसका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे जाए। तो पाकिस्तानी आप जितने चाहे आपके पास मौजूद होंगे, जो भी धड़ाधड़ लगे हुए कि हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट आ रहे हैं और हम काम करवा रहे हैं। इस टाइम वर्चुअल असिस्टेंट की मांग सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। जी ठीक हो गया, सही है, ठीक है। तो अच्छा मीन्स ये मतलब जो एक वर्चुअल असिस्टेंट है वो सिंपली सिर्फ प्रोडक्ट हैंड करता है या फिर प्रोडक्ट सोर्स करता है या फिर वो सब सारे ही काम करता है? वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या होता है? बेसिकली आपने सारा काम करना होता है, चाहे वो किसी के स्टोर की डिजाइनिंग करनी है, चाहे वो किसी के स्टोर की सेल्स को जनरेट कर देना है, चाहे वो किसी के स्टोर की लिस्टिंग करनी है, हंटिंग करनी है, या सोर्सिंग करनी है, या ड्रॉप शिपिंग करनी है, या उसके फेसबुक या सोशल पेजेस वगैरह को भी क्यूरी क्रिएट करना। क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट का मेन मकसद क्या है कि किसी बंदे के साथ मिलकर उसकी सेल्स को जनरेट करना, और जब आप सेल्स जनरेट करते हो तो डेफिनेटली आपकी भी अर्निंग होगी, ठीक है? सब्सक्राइब करें स्टेप अप टेक यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।